देश और दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा फिर से मंडरा रहा है। ऐसे में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही एकमात्र हथियार है जो कोरोना के खिलाफ आपके सामने शील्ड बनकर खड़ा है, यानी कि आपको बचाता है कोरोना व अन्य बीमारियों से। तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए फ्रेंड्स आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हो, इसके लिए आप फ्रेंड्स एक तो अपना जो आहार है वो संतुलित रखें, जिसमें कि हरी सब्जियां हों, ताजे फल हों, वह मोटे अनाज हों, जिससे कि आपके प्रोटीन की, कार्ब्स की, वे फाइबर की, विटामिन्स व मिनरल्स की कमी पूरी हो, जिससे कि आपकी बॉडी में कोएंजाइम्स व एंजाइम्स का निर्माण हो, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। फ्रेंड्स नंबर सेकंड है, इसके लिए फ्रेंड्स आप वर्कआउट करें, आप पर डे 20 से 30 मिनट वर्कआउट करें। कुछ वर्कआउट होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, योगा हो गया, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप अपने रूटीन में वर्कआउट भी ऐड करें, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े फ्रेंड्स। और नंबर तीन फ्रेंड्स, आपको धूम्रपान में शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा सकते हैं, इसीलिए आप धूम्रपान में शराब से बच कर रहे हैं फ्रेंड्स। नंबर चार है, आपको फ्रेंड फास्ट फूड व जंक फूड का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा सकते हैं और ये बॉडी को नुकसान भी देते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो व अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें व सेफ रहें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।